उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी जब वहां के एक सैलून में अचानक दाढ़ी सेट करवाने पहुंचे तो ये चर्चा का विषय बन गया। दरअसल राहुल गांधी लालगंज में अपने चुनावी सभा को ख़त्म कर जा ही रहे थे तो उसी दौरान उनका काफिला विजेंद्र नगर में न्यू बुम्बा देवी कटिंग सैलून पर रुका। राहुल गांधी ने दुकान में काम करने वाले मिथुन से अपनी दाढ़ी सेट करवाई। मिथुन ने बताया कि पहले तो वो यकीन नहीं कर पाए, फिर उन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की दाढ़ी ट्रिम की। जब मिथुन से पूछा गया कि वो किस पार्टी को वोट देंगे तो उस सवाल पर मिथुन ने चुप्पी साधी, पर बातों ही बातों में मिथुन ने कहा कि वो बचपन से ही कांग्रेसी है और उन्हें लगता है कि रायबरेली में कांग्रेस सरकार ही आएंगी। मिथुन ने इस बात का भी खुलासा किया कि राहुल ने उनको दाढ़ी सेट करने के लिए कितने रुपए दिए। मिथुन ने बताया कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने उनके काम से खुश होकर 500 रुपए दिए और इसके अलावा राहुल ने खुद की दाढ़ी को लेकर भी उनसे सवाल जवाब किए। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले राहुल गांधी को शहजादा कहा था, वहीं दूसरी तरफ ये शहजादा धूप में बारिश में पैदल तो कभी हजाम की दुकान पे दिखाई दे रहा है। तो सच क्या है कि ये राहुल गांधी एक शहजादा है तो फिर इतनी मेहनत, इतने लोगों से बातचीत, मिलना जुलना कैसे? जनता का सवाल है कि अगर ये शहजादा है तो ये सब क्यों? चुनाव और जनता के लिए इतनी मेहनत क्यों?